आपका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। आपका टेबल दिया गया है ए डी एन एन, क्या दिया गया है ए एन, ठीक है। तो हम फर्स्ट वाले का करते हैं, यहां पर दिया है ए इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 8, व्हाट इज ए एन, ठीक है। तो आपका स्टार्टिंग यहां से रहेगा, ये हमारा हो गया 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। अब हम फर्स्ट वाले का करते हैं, फर्स्ट वाले का क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना, यही फॉर्मूला है, सब जगह यही फिट करेंगे हम। तो हमारा क्या आएगा, ए एन कुछ नहीं दे रखा है, यही फाइंड आउट करना है हमको, ए एन ए दे रखा है 7 प्लस एन इज 8, 8 माइनस 1 डी इज 3, तो आपका कितना आ गया 7 प्लस 8 माइनस 1 इज 7, 7 इंटू 3 इज 21, तो कितना हो गया 28, ठीक है। तो यहां पर हमारा आ गया 28। नेक्स्ट आपका सेकंड वाला, सेकंड वाले में यहां पर क्या है माइनस 18, तो और ए एन क्या दे रखा है इसने 0, तो ए एन में हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू ए हमारा दे रखा है माइनस 18 प्लस एन दे रखा है 10, तो हमारा हो गया 10 माइनस 1, और डी हमारा कुछ भी नहीं दे रखा है तो हम इधर लिखेंगे डी, तो हमारा हो गया 0 इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 10 माइनस 1 इज 9d। अब 9d को इस साइड में लेकर आओ, आपका आएगा माइनस 9d इज इक्वल टू माइनस 18, तो d इज इक्वल टू माइनस 18 बाई माइनस 9, तो माइनस माइनस कैंसल, 9 से कट करो, आपका आएगा 2, तो आपका आ गया d इज इक्वल टू 2, तो यहां पर आपका आ गया d इज इक्वल टू 2, ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड वन, तो थर्ड वन करते हैं हम, देखते हैं क्या आता है। थर्ड वन हमारा ए एन दे रखा है माइनस 5 इज इक्वल टू ए दे रखा है हमारा कुछ भी नहीं है, तो हम इधर लिखेंगे ए, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ए प्लस एन कितना दे रखा है 18, तो 18 माइनस 1 एंड डी दे रखा है माइनस 3 इंटू माइनस 3, ठीक है। अब हमारा माइनस 5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1 इज 17, 17 इंटू माइनस 3, तो कितना आ गया माइनस 5, इसको सॉल्व करो, 17 इंटू माइनस 3 कितना होता है माइनस 51, माइनस 51 है ना, 3 7 जा 21, 2 कैरी माइनस 51, माइनस 51 लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 51 इज इक्वल टू, तो आपका क्या हो गया, क्या हो गया ए इज इक्वल टू 51 माइनस 5 इज 46, ए इज इक्वल टू 46, तो यहां पर आपका आ जाएगा 46, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वन, फोर्थ वन में आपका ए एन दे रखा है 3.6, तो हमारा आ जाएगा यहां पर 3.6 इज इक्वल टू ए आपका दे रखा है माइनस 18.9 प्लस आपका डी 2.5 है, एन कुछ भी नहीं दे रखा है, तो यहां पर लिखेंगे एन माइनस 1 एंड डी इज 2.5, इसको इस साइड में लेकर आओ, आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और नीचे आ जाएगा आपका 2.5 साइड में, ये दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा 9 प्लस 6 इज 15
वन कैरी, नाइन प्लस थ्री इज ट्वेल्व, वन कैरी एंड टू। 22.5 इज इक्वल टू एन माइनस वन एंड 2.5। तो n माइनस वन कितना हो गया हमारा, n माइनस वन हमारा हो गया 22.5 बाई 2.5। तो पॉइंट पॉइंट हट गया आपका, बाकी बच गया आपका, कट करते हैं 5 से या 25 से डायरेक्ट करो, आपका कितना आएगा 25 8 जा 200, है ना। और आगे है 9 हो गया, तो ये 1 ये 9, ठीक है। तो हमारा आ गया n इज इक्वल टू 9 माइनस 1 राइट साइड में प्लस 1, तो हमारा हो गया n इज इक्वल टू 10। तो यहां पर हमारा आ गया 10, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फिफ्थ वन। तो फिफ्थ वन हमारा क्या होगा, हम करके देखते हैं। फिफ्थ वन ए एन कुछ भी नहीं दे रखा है, हम डायरेक्ट लिखते हैं ए एन इज इक्वल टू ए इज 3.5 प्लस एन इज 105 माइनस 1 एंड डी इज 0। डी इज 0, तो आपका ए एन कितना आ गया, ए एन इज इक्वल टू 3.5 प्लस जितना भी नंबर है इंटू 0 इज 0, तो ए एन इज 3.5, ठीक है। तो हमारा आ गया यहां पर 3.5। ठीक है, आपका क्वेश्चन है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग, ठीक है। फर्स्ट वाला है आपका 30th टर्म ऑफ एन एपी 10 7 4 इज व्हाट, अभी आपको फाइंड आउट करना है इसके अंदर। तो फर्स्ट में हमारा क्या दे रखा है वो हम लिख लेते हैं, हमारा इसने दे रखा है ओनली क्या दे रखा है 10, दैट इज ए, ए इज इक्वल टू 10। व्हाट इज डी, डी इज इक्वल टू 7 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू -3, ठीक है। ये तो इसने दे रखा है, इसने बोला है 30th टर्म निकालो, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 30, n इज इक्वल टू 30, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a हमारा दे रखा है 10 प्लस n इज 30, तो हमारा हो गया 30 माइनस 1 इज 29 इंटू डी दे रखा है आपका -3, ठीक है। अब क्या हो गया आपका 10 माइनस 3 9 जा 27, 2 कैरी 3 2 जा 6 7 8 87, तो आपका आ गया -77 इज द करेक्ट आंसर। तो -77 कहां पर है, सी में, तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 11th टर्म ऑफ एन एपी, तो इसमें आपका ए क्या दे रखा है -3, सेम चीज हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू -3। व्हाट इज डी, डी इज इक्वल टू -1/2 माइनस ऑफ -3, -1/2 माइनस ऑफ -3, तो आपका क्या हो गया -1/2 प्लस 3, है ना, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। अब एलसीएम ले गया हम, तो एलसीएम इज 2, तो -1 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 5/2, तो D इज 5/2, ठीक है। और क्या दे रखा है उसने, N दे रखा है 11, तो N इज इक्वल टू 11, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, हमारा आएगा AN इज इक्वल टू A
प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए इज माइनस थ्री प्लस 11 माइनस वन एंड डी इज 5/2। ठीक है, तो क्या हो गया, माइनस थ्री प्लस 10 इंटू 5/2 कट होगा 5 जा, तो आपका आ गया माइनस थ्री प्लस 25, तो माइनस थ्री प्लस 25 इज 22, तो आपका आंसर 22। दैट मीन्स बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है।